शादी के बाद आपने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, फिर अचानक आप फिल्मों में कैसे और किस लिए लौट आई? पहली बात तो शादी के बाद मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, पर इंडस्ट्री से मेरा नाता नहीं टूटा। मोहसिन साहब और हम जब बॉम्बे आए तो लोग काफ़ी पीछे पड़े रहते थे कि मोहसिन साहब आप फिल्मों में क्यों नहीं आते, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। और उस ज़माने में तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। पर उसके बाद ऐसा हुआ जब उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म साइन की तो इंडस्ट्री से तो नाता ही नहीं टूट सका मेरा। आई वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व। और आजकल का ट्रेंड और आजकल जिस किस्म से शूटिंग्स होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा कुछ पता था और आई वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व विथ इट। पहली बात तो ये है कि जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो यहाँ पर पहले इतने गॉसिप्स हो जाते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं लोग, और ऐसी कोई बात नहीं है। मोहसिन साहब को अच्छी तरह पता था कि मैंने जे ओम प्रकाश की स्टोरी सुनी और मैंने उनको थोड़ी सी आउटलाइनिंग भी बताई कि इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड रोल एंड इट्स वेरी पावरफुल रोल। तो मोहसिन साहब ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और जब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ तो मोहसिन साहब वेरी मच ही वॉज इन बॉम्बे, उनके सब कुछ उनके सामने ही हुआ है। जब ये बात हुई थी कि रीना जी ये फिल्म करेंगी, उस वक्त मैं जे एम जी के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एज द फर्स्ट पर्सन टू रिएक्ट कि बहुत ही खुशी की बात है और इससे बेटर चॉइस भी नहीं हो सकती कोई, क्योंकि यूँ भी हम लोग भाभी के रोल में कुछ ऐसे ही कलाकार हैं, उनको देख देख के वी आर टायर्ड टू सी देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि भाभी होगी तो वो यही एक्ट्रेस करेगी, तो मज़ा नहीं आता था अगर कोई और कोई बात हो जाती तो। तो जैसे ही रीना जी का नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, ना कि सिर्फ इसलिए कि प्रोजेक्ट अच्छा हो गया और काम बहुत अच्छा होगा, बल्कि इसलिए भी कि मैं उनका फ़ैन रह चुका हूँ। उनकी एक फिल्म तो मैंने वो एक गाने के लिए बहुत बार देखी थी, एक तो नागिन में उन्होंने गाना किया था तेरे संग प्यार में नहीं, और दूसरा जानी दुश्मन में एक गाना किया था उन्होंने, वो गाने पे हम लोग पैसे फेंकते थे बचपन में। मेरे को किसी और ने भी अप्रोच किया था रीना के लिए, वो फिल्म तो अभी तक फ्लोर पे गई नहीं, तो मैंने कहा कि मेरे को किसी और ने अप्रोच किया रीना के लिए, देन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। बट मैं उससे बात करने से पहले तुमसे बात करना चाहता था, तो ये शुरुआत ऐसी हुई थी। मैं तो बहुत कीन था कि इसके साथ काम करूं। हमने काफ़ी फिल्मों में काम किया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही हैं फिल्में। बट जी कह रहे थे कि रीना थोड़ी अप्रियंसिव थी, कि थोड़ा उसका वज़न बढ़ गया था। वो बोली मुझे एक महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं मिलूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। बट मेरा रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। अरे तुम फिकर मत करो जवानी जी, मैं आज ही काम जाती हूँ और लौट की गाड़ी से मधु को लेकर चली आती हूँ। मेरी पति गंगा को भी शरद को भी अच्छे से संभाल लेगी। ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा रहा आपके कमबैक पर? आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मैंने रिस्पांस देखा है, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। जिस किस्म से लोग मुझे देखते हैं, और पहली बात तो जिस अंदाज से वो लोग मुझे मिलते हैं, इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं गई क्यों थी। और आई एम वेरी हैप्पी टू मीट माई पीपल एंड दे आर वेरी वार्म, इतने प्यार से वो मुझे वेलकम कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ।